Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. मतलब यार स्मैकडाउन में क्या हो रहा है, मतलब क्या ही हो रहा है. आज हमने क्या देखा, रोमन रेंस का ओपोनेंट ये होगा वो होगा, रॉयल रमल में क्या खिचड़ी पकने वाली है. लेकिन WWE इस डायरेक्शन के साथ जाएगी भाई, ये तो किसी ने भी बिल्कुल भी नहीं सोचा था. क्योंकि WWE ऑफिशियल एडम पियर्स रोमन रेंस को फेस करेंगे रॉयल रमल के अंदर. तो बहुत कुछ हुआ स्मैकडाउन के शो पर, नए चैंपियंस हमको देखने को मिले. पूरे शो के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, कैसा स्मैकडाउन का शो था, अच्छा था बुरा था, वो सारी बातें. और गाइस आप क्या करना है, हर बार की तरह इस वीडियो को देखना बिल्कुल लास्ट तक. और भाई वीडियो कंटिन्यू करने से पहले लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना. तो सबसे पहले हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो रोमन रेंस के साथ देखने को मिलती है. और रोमन रेंस रिंग में आकर केविन ओवेंस के बारे में बात करते हैं. कहते हैं कि चलो ठीक है केविन ओवेंस जो भी है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि बंदे के अंदर दम है. उसके अंदर मेरे को ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि बंदे को कितना ही मारो वो गिर के दोबारा से उठने की कोशिश करता है. लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, केविन ओवेंस आज हमारे बीच में है नहीं क्योंकि उसको तो मैंने हॉस्पिटलाइज कर दिया है. इसके बाद वो कहते हैं कि लोग मेरे को ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने केविन ओवेंस के साथ गलत किया. अब केविन ओवेंस टेलीविजन के ऊपर नहीं आ पा रहा, लेकिन तुम सही डायरेक्शन में अपनी फिंगर को पॉइंट करो, क्योंकि ब्लेम करने के लिए यहां पर कोई और नहीं है बल्कि WWE ऑफिशियल एडम पियर्स है. रोमन रेंस कहते हैं एडम पियर्स जल्दी से तू बाहर आ जा. मतलब जितने एटीट्यूड में रोमन रेंस यहां पर बुला रहे थे एडम पियर्स को, भाई वो WWE ऑफिशियल है, थोड़ी सी इज्जत भी उसको दे दो. लेकिन रोमन रेंस यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे. एडम पियर्स आते हैं, रिंग में आते हैं और यहां पर हमको क्लिप देखने को मिलती है जहां पर रोमन रेंस ये दिखाते हैं कि एडम पियर्स ही वो बंदा है जिसने दोबारा से केविन ओवेंस को अपॉर्चुनिटी दी कि वो रोमन रेंस के साथ उलझे. क्योंकि अगर एडम पियर्स ऐसा करते ही नहीं तो फिर केविन ओवेंस का आज वो हाल नहीं होता जो कि हमको उनका देखने को मिल रहा है. रोमन रेंस कहते हैं कि क्या तुम मेरे को स्टूपिड समझते हो, वो कहते हैं नहीं मैं तो नहीं समझता. तो फिर तुम स्टूपिड हो, अच्छा तुम भी स्टूपिड नहीं हो तो क्या विंस मैन स्टूपिड है. मतलब यहां पर रोमन रेंस ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो बंदा इन चीजों को बुक कर रहा है वही यहां पर स्टूपिड है. और ऐसा कहते कहते रोमन रेंस गर्म भी हो जाते हैं क्योंकि आज शो के ऊपर एक गॉन्टलेट मैच भी ऑफिशियल होता है जो कि पांच सुपरस्टार के बीच होता है पहले, जहां पर हमको नाकामुरा, सैमी जेन, डैनियल ब्रायन, बैरन कॉर्बिन, इसके अलावा मिस्टीरियो ये सब देखने को मिलते हैं. जो भी जीतेगा वो रॉयल रंबल में रोमन रेंस को फेस करेगा. रोमन रेंस कहते हैं क्या तुम इतने भारी वाले नेता होगा कि तुम मेरे लिए डिसीजन लोगे, क्योंकि मैं ट्राइबल चीफ हूं तो तुम कौन होते हो. ऐसा कहते कहते वो कहते हैं कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो तुम मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करते. और वो सीधा जो है एडम पियर्स की गर्दन पकड़ लेते हैं और एडम पियर्स की हालत खराब हो जाती है. लेकिन धीरे धीरे रोमन रेंस ठंडे पड़ते हैं और कहते हैं फिलहाल के लिए तो तुम सेफ हो, और ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं. अब जब रोमन रेंस ने कहा कि फिलहाल के लिए तुम सेफ हो तो मैं समझ गया यहां पर कुछ ना कुछ तो कहानी पकने वाली है. और बाद में जो हमको शो के ऊपर देखने को मिला वो तो भाई बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था. लेकिन इस तरीके से हमको स्मैकडाउन की जो है स्टार्टिंग देखने को मिलती है जो कि बड़ी मतलब खुरापाती वाले तरीके से थी. और मैं कह सकता हूं कि बाद में जो चीज हमको शो के ऊपर देखने को मिली उसने और भी ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग थिंग्स बना दी. लेकिन जब बात हो रही है खुरापाती चीजों की तो एक और चीज है मेरे पास आपको दिखाने के लिए. तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, सर्च करना है ब्लूम कैमरा ऐप. फिर अगर आपसे इतना भी नहीं हो रहा तो फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पहला लिंक मिल जाएगा, वहां से सिंपली आप लोग जा सकते हो. आप इस एप्लीकेशन पर पहुंच जाओगे, इसे डाउनलोड करो, ओपन करो और भाई इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग बहुत सारे करतब दिखा सकते हो. हमारे द बीस्ट को यहाँ पर देखो कैसे मैं चुटकियों के अंदर दुल्हन बना सकता हूँ. तो अगर आपको करतब है मेकअप या फिर ब्यूटीफाई जैसी चीज़ों को करने का तो इस एप्लीकेशन के अंदर डेफिनेटली आपको मजा आ सकता है. देखो क्या मैंने लुक बना दिया ब्रॉक लेसनर का. इतने नहीं, इस एप्लीकेशन के अंदर और भी फीचर हैं. जैसे यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज के स्टिकर्स मिल जाते हैं, तो अगर आपको अपनी फोटोज के साथ ऐसे करतब दिखाना पसंद है तो इस एप्लीकेशन के अंदर भी आपको काफ़ी मजा आने वाला है. कैटेगरीज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की हैं. स्टिकर्स को आप लोग डाउनलोड करके यूज कर सकते हो. एप्लीकेशन के अंदर आप लोग अपनी फोटो से GIF भी बना सकते हो जो पॉपुलर GIF हैं, और आप चाहो तो सोशल मीडिया के ऊपर अपने फ्रेंड्स के साथ इस वाले GIF को शेयर कर सकते हो और थोड़ा सा कूल बन सकते हो. तो भाई ज्यादा कुछ करना नहीं है, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहां से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो. इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच जो कि शो के लिए पहले से ही ऑफिशियल था, अपोलो क्रूज वर्सेस बिगी के बीच में. और क्योंकि यहां पर दोनों सुपरस्टार फेस है तो इनके बीच में हमको एक टाइप से जो है अच्छा खासा मतलब कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है. लेकिन जो इस मैच का रिजल्ट था ना वो बड़े अलग तरीके से निकला. अलग तरीके से क्या निकला, मतलब अजीब ही हो गया. दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे को पिन कर दिया, दोनों के शोल्डर नीचे हैं और अपोलो क्रूज सोच रहे हैं कि मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत ली है. वो कहते हैं कि भाई लाओ मेरी चैंपियनशिप लाओ. बिगी सरप्राइज होते हैं कि भाई ऐसा कब हुआ. और उसके बाद क्या होता है कि गुस्सा आ जाता है अपोलो क्रूज को और वो जो है एक स्लैप कर देते हैं बिगी को, जिसके बाद दोबारा से दोनों के बीच मैच रीस्टार्ट होता है. और इस बार भाई बिगी बहुत ज्यादा गुस्से में थे, जो पहले यारी दोस्ती निभा रहे थे ना वैसा उन्होंने कुछ नहीं किया अपोलो क्रूज के साथ.
नाक और एंड में जो उन्होंने बिग एंडिंग लगा भी दी। ऑब्वियसली भाई बिगी अभी अभी चैंपियन बने हैं, WWE उनको हरवाने तो वाली नहीं है। हाँ अपोलो क्रूज को पुश कर रहे हैं देखकर अच्छा लगा, क्योंकि नए नए टैलेंट्स को अगर आप शो के ऊपर बनाओगे तो फिर शो को देखने में मजा भी आएगा, और आज कह भी सकता हूँ स्मैकडाउन को देखने में मजा भी आया। तो इस तरीके से जो है हमारे बिगी मैच में जीत गए और उन्होंने सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। अब चैंपियनशिप मैच की बात आ रही है तो इसके बाद भी हमको शो के ऊपर देखने को मिलता है चैंपियनशिप मैच, और ये था स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस रॉबर्ट रूड एंड जिगलर के बीच में। और जैसे कि आपको पता है ना, इससे पहले मॉन्टेस फोर्ड जो है हमारे उनके ऊपर काफी बुरी तरीके से अटैक किया था और इस मैच में वो 100% नहीं थे, और कहीं ना कहीं इस बात का फायदा रॉबर्ट रूड एंड जिगलर को उठाना, ये बात वो पहले से जानते थे। काफी लंबा हमको मैच देखने को मिलता है, डिसेंट हमको ये टैग टीम मैच देखने को मिलता है, और कहानी यही थी कि जो फोर्ड है ना वो पूरी तरीके से फिट नहीं है इस मैच में कम्पीट करने के लिए। एंड गेस व्हाट, पता नहीं भाई आज मुझे दिन में 4-5 बार नहाना पड़ेगा, प्रसाद वगैरह चढ़ाना पड़ेगा भगवान को, क्योंकि आज हो चुका है टाइटल चेंज शो के ऊपर और रॉबर्ट रूड एंड जिगलर बन चुके हैं न्यू स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस, यानी कि स्ट्रीट प्रॉफिट जो कि इतने टाइम से हमको चैंपियंस देखने को मिल रहे थे। पहले वो रॉ टैग टीम चैंपियंस थे, उसके बाद ब्रांड बदला, उसके बाद स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस बन गया, लेकिन फाइनली आज के दिन उनका जो टाइटल रेन है वो एंड हो गया। और कहीं ना कहीं मैं खुश भी हूँ, इसलिए नहीं कि स्ट्रीट प्रॉफिट चैंपियनशिप को हारे हैं, बल्कि जिगलर एंड रूड को यहाँ पर मौका मिला। इससे पहले भी भले ही वो चैंपियंस बने, लेकिन मेरे को देखकर सही लगा कि ये फालतू में नहीं चल रहा था कि जो स्टोरी लाइन है उसका कोई सेंस ना बने, क्योंकि अगर टाइटल चेंज अगर हो जाता तो किसी फ्यूड को देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। लेकिन खैर ये बात हम लोग मान सकते हैं कि क्योंकि फोर्ड यहां पर जो है पूरी तरीके से फिट नहीं थे, इसका फायदा जिगलर एंड रूड ने उठाया। लेकिन जो भी है जैसा भी है भाई, हमारी हील टीम है और इस तरीके से आज हमको शो के ऊपर जो है नए चैंपियंस मिल गए। इसके बाद गाइस हमको क्या देखने को मिलता है, बैक सेगमेंट जहां पर पॉल हेमन आकर एडम पियर्स को यह बताते हैं कि तुम भी गॉन्टलेट मैच के अंदर होने वाले हो। मतलब रोमन रेंस ने शो की स्टार्टिंग में कहा नहीं था कि अभी फिलहाल के लिए तुम सेफ हो, और उससे रोमन रेंस ये कहना चाहते थे कि भाई अभी तो मैं तेरे को छोड़ रहा हूं लेकिन तू गॉन्टलेट मैच के अंदर आएगा, यानी कि एडम पियर्स के पास भी मौका होता है कि वो रोमन रेंस को फेस करे रॉयल रंबल में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और बात आ रही है इस गॉन्टलेट मैच की, तो गाइस मेन इवेंट के लिए मैच जो है शुरू हो जाता है, बहुत टाइम पहले ही हो गया, आई थिंक स्मैकडाउन को खत्म होने में 45 मिनट थे, तो गॉन्टलेट मैच क्योंकि आपको पता है लंबा चलता है, तो इस तरीके से जो है काफी पहले शो की मतलब इस मैच की स्टार्टिंग हो जाती है। और जो पहला मैच हमको देखने को मिलता है वो यहां पर था सैमी ज़ेन वर्सेस मिस्टीरियो के बीच में। मैच से पहले तो भाई सैमी ज़ेन अपनी हार का ही अभी भी रोना रो रहे हैं कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं है, और मिस्टीरियो ने यहां पर गजब ही कर दिया, क्योंकि सैमी ज़ेन को उन्होंने यहां पर ज्यादा मौका ही नहीं दिया, 619 लगाया, स्प्लैश लगाया, और बड़ी इजीली यहां पर उन्होंने जो पहला मैच है वो इसके अंदर जीत लिया था, और सैमी ज़ेन की जो हालत है वो यहां पर खराब हो गई। नेक्स्ट हमको देखने को मिलते हैं शिंसुके नाकामुरा, और शिंसुके नाकामुरा और मिस्टीरियो का मैच होता है। आप लोग पूछ रहे थे कि भाई मिस्टीरियो फैमिली वगैरह कहा है, तो भाई आज हमको डोमिनिक के दर्शन देखने को मिल गए। अलिया नहीं थी तो हो सकता है कुछ लोगों को बात पसंद ना आई हो, लेकिन खैर जो भी है वो हमारा टॉपिक नहीं है। यहां पर होता है रे मिस्टीरियो वर्सेस नाकामुरा के बीच मैच, और ये काफी हमको अच्छा मैच देखने को मिलता है, और मुझे लग रहा था कि मतलब नाकामुरा का क्या दिन है, क्योंकि हमने देखा है कि गॉन्टलेट मैचेस के अंदर या फिर जिस तरीके के मल्टी पर्सन मैचेस होते हैं वहां से WWE एक नए सुपरस्टार को ना चमकाने की कोशिश करती है, और आज दिन तक शिंसुके नाकामुरा का, क्योंकि यहां पर उन्होंने ना सिर्फ मिस्टीरियो को हराया बल्कि आर्मबार लगाने के बाद उन्होंने मिस्टीरियो को टैप आउट करवा दी। और सही में ये चीज देखकर मैं सरप्राइज्ड हुआ, क्योंकि मतलब नाकामुरा अभी तक किस तरीके से बुक हो रहे थे, लेकिन अचानक से आज उन्होंने शो के ऊपर कमाल कर दिया। इसके बाद हमको देखने को मिलते हैं किंग कॉर्बिन, और आपको पता ही है किंग कॉर्बिन की जो स्टोरी लाइन है वो मिस्टीरियो फैमिली के साथ भी चल रही है। रिंग साइड पर सबसे पहले उन्होंने डोमिनिक के ऊपर अटैक किया, मिस्टीरियो को भी तोड़ा, और उसके बाद उनका जो फोकस है वो आता है शिंसुके नाकामुरा के ऊपर, लेकिन थोड़ा ज्यादा शिंसुके नाकामुरा के ऊपर फोकस कर लेते तो बढ़िया रहता, क्योंकि नाकामुरा ने यहां पर अपनी नी लगाकर बैरन कॉर्बिन को भी या फिर किंग कॉर्बिन को भी इस मैच में हरा दिया, और आगे के लिए वो एडवांस कर जाते, तो हमको पता लग रहा था कि भाई अब यहां पर नाकामुरा के मैच को भी जीतने का चांस है। लेकिन इसके बाद आता है सबसे बड़ा थ्रेट डैनियल ब्राइन, जो कि हमको लग रहे थे कि वो भी इस मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि आपको पता है रूमर्स आ रहे थे कि रोमन रेंस के अपोनेंट जो है डैनियल ब्राइन भी हो सकते हैं। हालांकि रॉयल रंबल में एंट्री के बाद चांसेस कम हो गए थे, लेकिन स्टिल गॉन्टलेट मैच में देखने के बाद उम्मीदें यहां पर सबकी बन गई थी, और मैं कह सकता हूं कि हमको गॉन्टलेट मैच के अंदर जितने भी मैच देखने को मिले ये हमको सबसे बेस्ट कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, मैचअप देखने को मिलता है डैनियल ब्राइन और नाकामुरा का। एक तो पता भी नहीं था कि यहां पर कौन जीत सकता है, क्योंकि डैनियल ब्राइन के जीतने का भी चांस था। डैनियल ब्राइन जो है अपनी नी स्ट्राइक कर रहे हैं, काफी ज्यादा हमको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, दोनों सुपरस्टार्स ने यहां पर काफी क्लोज कॉल लिए, लेकिन में जब नी लगाने के लिए भागते हैं मतलब कॉर्नर पर जिस तरीके से नी स्ट्राइक करते हैं, नी तो नहीं वैसे लेग ड्रॉप जो मारते हैं हमारे डैनियल ब्राइन, वो मारने जा रहे होते हैं तीसरी बार, लेकिन उसको रिवर्स कर देते हैं, एक और नी लगा दी नाकामुरा ने और उन्होंने पिन कर दिया डैनियल ब्राइन को। लेकिन भाई अभी यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई थी, जिस तरीके से मैच जो ओरिजिनल प्लान था उस हिसाब से तो हो गया था, नाकामुरा जीत गए थे, लेकिन अभी भी एडम पियर्स जो कि गॉन्टलेट मैच के अंदर हैं उनका आना यहां पर बाकी था। रोमन रेंस आते हैं, जे उसो आते हैं, पॉल हेमन आते हैं, और पीछे से आते हैं एडम पियर्स, और भाई उन्होंने अपना जो गियर है ना मतलब जो वो सूट बूट में आते हैं तो वो भी चेंज कर दिया, इस बार वो लड़ने के मूड से आए थे ऑब्वियसली, और
सवाल यही था दिमाग में कि क्या अब एडम पियर्स जीतने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरीके से उनको मैच में डाला था चांस तो यहाँ पर था, और भाई चांस क्या वो जीत भी गए, क्योंकि हमने देखा जे उसो ने यहाँ पर नाकामुरा के ऊपर अटैक किया, रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच लगाया, सुपर किक लगी, स्प्लैश लगाया, मतलब नाकामुरा को पूरी तरीके से चित कर दिया, और उसके बाद एडम पियर्स को भेजा जाता है रिंग में। एडम पियर्स के ऊपर भी सुपर किक लगाई जे उसो ने, रोमन रेंस ने कहा कि बेल बजाओ, और उसके बाद जे उसो जो कि सारा काम कर रहे थे, रोमन रेंस जो कह रहे थे वो सारी चीज उन्होंने करी, एडम पियर्स को उन्होंने रख दिया नाकामुरा के ऊपर, 1-2-3 पिन हुआ, और इस तरीके से एडम पियर्स जीत गए इस गॉन्टलेट मैच को, और रोमन रेंस एंड में जो है स्टैंड टॉल करते हैं अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ। तो एडम पियर्स बन, मतलब मेरे को तो अभी भी बात भाई ये गले से नीचे हजम नहीं हो रही है, मतलब ये क्या हमको टर्न देखने को मिला, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी चीज होने वाली है स्मैकडाउन के ऊपर। अब ये क्या अच्छी है बुरी है इसके बारे में भाई हर कोई अपना डिफरेंट ओपिनियन रख सकता है, लेकिन डेफिनेटली हमको अनएक्सपेक्टेड चीज देखने को मिली, और अब आगे देखते हैं भाई इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर क्या होता है, क्योंकि अगर रोमन रेंस के साथ कोई चीज चल रही है तो मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि भाई वो चीज बढ़िया होगी, इसके बारे में अगर हम कोई बुरा ओपिनियन अभी से फॉर्म ना करें तो सही रहेगा। आगे देखते हैं स्मैकडाउन के ऊपर क्या सारी कहानी चलती है, बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा एडम पियर्स का चैलेंजर बनना रोमन रेंस का यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और बाकी 5 स्टार में से शो को आप लोग कितने स्टार्स दोगे। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक किए बिना कहीं मत जाना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती है। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।